आज जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो 2 फरवरी को शूट हो रही है, मतलब ये पहली वीडियो है और दिस इज़ 2 फरवरी 2020। और आज पूरे 2 साल हो गए हैं जब मैंने ये चैनल एक्चुअली बनाया था। वीडियो मैंने शायद बाद में डाली होगी, बट आई मेड दिस चैनल ऑन 2 फरवरी 2018। इसी खुशी में लेट्स मेक सम अमेजिंग कॉन्टेंट। आई विल गिव यू सम वेरी एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट ऑन DCV। आई विल स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मोटरसाइकिल विच वॉज आस्क बाई लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया। आई विल स्टार्ट विद द ब्यूटिफुल Yamaha XSR 155। दोस्तों ये है Yamaha XSR 155। यहाँ पे 2 कलर स्कीम्स हैं इस बाइक के मेरे सामने, और एक जो कलर स्कीम है वो ब्राउन सीट के साथ में है, दूसरी जो है वो ब्लैक सीट के साथ में है, और उसका जो टैंक है वो डबल कलर के साथ में है, ड्यूअल टोन कलर। उसमें भी ड्यूअल टोन है बट ये थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है ज़्यादा। और थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगा मैं इस बाइक का। ये जो बाइक है ये बेस्ड है Yamaha की XSR 900 और 700 सीरीज़ के ऊपर। सो Yamaha, जैसे मैं बोलता हूँ कि वो मिनिएचर मॉडल्स से बहुत अच्छा कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और इस वजह से उन लोगों ने XSR का भी एक मिनिएचर मॉडल बना दिया जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो ये जो है ये थोड़ा सा सोबर कलर है, इसमें जो USD फोक्स हैं वो ब्लैक हैं, वहीं पर ये थोड़ा सा फंकी कलर है, इसके अंदर जो USD फोक्स हैं वो गोल्डन है। तो ये सेक्शन आप सोच रहे होगे ये क्या है, एक्चुअली ये है इसका रेक्टिफायर। तो इसके नीचे बड़ी अच्छी तरीके से उसको हाइड किया हुआ है, उसके साथ में वन बाय वन मतलब देखते हैं बाइक को, बड़ा क्लोजली देखते हैं। सो पहले शुरू करते हैं हम लोग हेडलाइट से। सो ये है इसकी हेडलाइट XSR की, दिस इज़ LED हेडलाइट, रेट्रो स्टाइल की LED हेडलाइट है ये, और दिस लुक्स रियली गुड। Yamaha डिज़ाइंस में तो कोई मुकाबला नहीं है, दे मेक रियली ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल्स। और उसके साथ में ये हैं 41mm के गोल्डन USD फोक्स, और जो इंडिकेटर्स हैं दे डोंट यूज़ LED कहीं पे भी आई थिंक। सो इंडिया में भी नहीं मिलते, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई दे शुड गिव बट दे डोंट। और यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, दिस लुक्स लाइक अ ब्रश्ड एल्यूमिनियम सेक्शन बट दिस इज़ प्लास्टिक ओनली। और यहाँ पे ट्विन पिस्टन कैलिपर्स हैं, ब्रांड मेंशन नहीं है बट मोस्टली Yamaha निसिन के साथ में काम करता है, तो आई डोंट नो इफ दीज आर निसिन्स। और जो ट्रैवल है फॉर अ स्ट्रीट बाइक ठीक ठाक है। और ये रहा छोटा सा एक रेडिएटर, इंजन है इसके अंदर 155 cc का सिंगल सिलेंडर 4-valve लिक्विड कूल्ड, ये है उसका रेडिएटर। और उसके साथ में ये है वो 155 cc का वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन वाला इंजन, सो अच्छी पावर जनरेट करता है। 155 का ये फील नहीं होता है जिस तरह से बाइक चलती है। अब आते हैं इसके कंसोल पे। सो ये बड़ा एक स्टाइलिश एलिमेंट है इसका, जो Yamaha XSR सीरीज़ है वो इसी तरह का एनालॉग दिखने वाला डिजिटल कंसोल यूज़ करती है। तो यहाँ पे स्विच गियर की अगर बात करें तो ये कंबाइन स्विच है, किल स्विच एंड स्टार्टर स्विच। इधर बात करें तो दिस इज़ हाई बीम लो बीम हॉर्न एंड दिस इज़ पास लाइट स्विच, और उसके साथ में ये इंडिकेटर है। यहाँ बहुत सारी आपको दिखाई देंगी टेलटेल लाइट्स। उसके बाद में लेट्स गो टू द टैंक, और यहाँ पे आप देखोगे तो Yamaha, उसके साथ में टैंक का डिज़ाइन जो है कुछ इस तरह से दिखता है, और उसके ऊपर XSR मेंशन्ड है। और यहाँ पे भी देखो ये वाले एलिमेंट्स Yamaha को सबसे अलग बनाते हैं, जैसे इस तरह के ये चीज़ें Yamaha करता है अपनी बाइक्स के साथ में, उस तरह से इस तरह के की होल्स तो हम लोग को नहीं मिलते इंडिया में फॉर श्योर। और बाइक के अंदर देखो अच्छे खासे राइजर्स लगाए हुए हैं, जिससे कि उसकी जो राइडिंग पोजीशन है, क्योंकि ये बाइक बेस्ड है R15 पे, तो जो MT15 है उसके अंदर थोड़ा सा ये हैंडल बार नीचे है, इसके अंदर थोड़ा सा ऊंचा है। ये बाइक नीचे से वही है, ऊपर से ये बाइक अलग है। सो R15, MT15, XSR 155, ये बाइक्स लगभग सेम बाइक्स हैं, और ब्रेडेड लाइन्स नहीं यूज़ करता Yamaha कहीं भी इस तरह की बाइक्स में। अब ये है फुट पिक्स, और ये है हील गार्ड,
सो अच्छा खासा इसके अंदर भी रियर सेट है और ये है एग्जॉस्ट, सो एग्जॉस्ट को भी रेट्रो स्टाइल देने के लिए बोल दिए गए हैं। इस बाइक के अंदर एल्युमिनियम का रियर फुटरेस्ट नहीं है और पीछे एक ब्यूटीफुल राउंड टेल लाइट है और एक ये वाला एलिमेंट है जो XSR का बड़ा फेमस है, ये वाला दिस एल्युमिनियम। एंड यहाँ पे एक जगह पे और XSR। टायर्स की भी बात करेंगे अभी, लेट्स हैव अ लुक। और सीट है जो वही रेट्रो स्टाइल्ड जो रिब्ड सीट होती है उसमें थोड़ा क्लियरली दिखाई देगी रिब्ड सीट्स। ब्यूटीफुल लुकिंग मोटरसाइकिल और पीछे सिंगल पिस्टन कैलिपर और शायद यहाँ पे अभी भी ABS मैंडेटरी नहीं है तो ABS नहीं मिलता है। अब बात करते हैं टायर्स की, तो आई फील दिस इज़ एटलीस्ट 140 और 150 सेक्शन टायर। सो दिस इज़ यस दिस इज़ 140 70 17 एंड लेट मी सी विच ब्रांड इज़ दिस। दिस इज़ IRC, सो Yamaha IRC यूज़ करता है, मैंने बहुत देखा है यहाँ पे। अब जरा दूसरे कलर को भी देख लेते हैं एक बार। सो ये है ब्लैक एंड सिल्वर और जो इसकी सीट है वो ब्राउन है। सेम टू सेम मोटरसाइकिल, सेम हेडलाइट, सेम मडगार्ड, बस कलर स्कीम डिफरेंट है। सो आई थिंक ये ज़्यादा पसंद आएगी आप लोग को, वो सोबर कलर स्कीम है थोड़ी सी, मुझे उस तरह की ज़्यादा पसंद आती है। ये है XSR 155 जिसके लिए लोग तड़प रहे थे देखने के लिए। दोस्तों ये था वॉक अराउंड XSR 155 Yamaha और इस बाइक के लिए इंडिया में इस टाइम पे अच्छा खासा आप बोल सकते हो कि इंटरेस्ट है लोगों में और आई होप Yamaha को थोड़ा सा प्लान करके सोचना चाहिए अब की बार एंड दे शुड मेक दिस मोटरसाइकिल कम टू इंडिया, इट शुड सेल इन ह्यूज नंबर्स। क्योंकि R15 है, MT15 है, हम लोग के पास में अभी का रिप्लेसमेंट नहीं है RX100 का एंड ऑल, तो आई थिंक ये वहाँ पे काम कर सकती है बाइक। लेट्स सी इफ इट कम्स, बताओ वीडियो देख के कि कैसी लगी वीडियो, बड़ी एंटिसिपेटेड बाइक है ये। कीप वॉचिंग DCV गाइस।